डॉक्टर एक बात बताइए, बोलते हैं संविधान की ताकत को समझो, व्हाट इज द संविधान, क्या है संविधान और उसकी ताकत क्या है, वो थोड़ा सा बताएं कि संविधान की ताकत को कैसे समझना चाहिए। भाई संविधान की ताकत का मतलब है कि पार्लियामेंट में भी किसी भी संवैधानिक पद पे कोई भी कितना बड़ा ऑफिसर है, इस देश के अंदर राष्ट्रपति या गवर्नर या जो भी यहाँ का जो ना सबसे सर्वोपरि है, वो एक ही चीज़ से उसका गवर्नेंस या उसका कंडक्ट या उसका जो ना उसका चलाने की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुसार ही चलाने का उसको आदेश और निर्देश है। अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या गवर्नर्स या जो है ना प्राइम मिनिस्टर या हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी अगर संविधान के अनुसार से देश में काम नहीं करता है तो उसका उस पद पर रहना उसी टाइम से संवैधानिक असंवैधानिक हो जाता है। अब उसको हम पार्लियामेंट के माध्यम से या तो उसको वैसे निष्कासित कर किया जाता है या फिर उसके अंदर कहीं पर कोर्ट के माध्यम से उसके अंदर PIL डाल के उस बात का विरोध करके उसको खारिज किया जाता है। तो संविधान इतनी बड़ी पद है जहाँ पे संविधान के अनुसार ही देश की सब सारी चीज़ें देश में गवर्नेंस होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब ये थोड़ी कि कोई एक आदमी कुछ भी कह दे और वो पावर बन जाए, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया ना, ये तो दानाशाही हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गई, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में यहाँ पे लोगों का राज है, लोगों के द्वारा राज है और लोगों के लिए राज है और लोगों के लिए राज है तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के हित जो है देश में संविधान में लिखे हुए हैं। इसलिए प्रीएम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली अफर्म टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अ सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री, यानी हम भारत के नागरिक एक देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं। तो सारी पावर इस देश के अंदर, सुप्रीम पावर तो लोगों के अंदर है, द ऑल पावर वेस्ट इन द पीपल, वी द पीपल, और लोगों ने संविधान बनाया है और संविधान के उद्देश्यों को अगर कोई आदमी वहां बैठ के अगर नहीं मानता है तो उसको हटाने का भी लोगों के पास ही पावर है, या तो वो पार्लियामेंट के या तो वो जो ना जुडिशरी के माध्यम से हो सकता है या उसको आप रिप्रेजेंटेटिव जब हम चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से उसको हम वोट ना देकर उसको इलेक्ट करके रिजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों पावर संविधान के अंदर दी गई हैं। आपने बताया कि अगर अपने संविधान की ताकत ही नहीं, आप अपने संविधान की ताकत को समझ सकते हैं, ऐसे से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड सुरेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू मैम।